विनोद मेहरा। तो हेलो दोस्तों, आज हम विनोद मेहरा के ऑल मूवीज नेम लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। विनोद मेहरा जी ने चाइल्ड आर्टिस्ट से ही फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी थी। नंबर वन, साल 1955 को विनोद मेहरा की पहली फिल्म आई अदले जहांगीर। इस फिल्म में प्रदीप कुमार और मीना कुमारी नजर आई थी। इस फिल्म में विनोद मेहरा ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। नंबर टू, इसी साल में इनकी फिल्म आई पतित पावन। इस फिल्म में विनोद मेहरा ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। नंबर थ्री, साल 1957 में इनकी फिल्म आई शारदा। इस फिल्म में राज कपूर और मीना कुमारी नजर आई थी। इस फिल्म में विनोद मेहरा जी ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। नंबर फोर, इसी साल में इनकी फिल्म आई दुनिया रंग रंगीली। इस फिल्म में जॉनी वॉकर, श्यामा और राजेंद्र कुमार नजर आए थे। इस फिल्म में विनोद मेहरा ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। नंबर फाइव, साल 1958 में इनकी फिल्म आई रागिनी। इस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। नंबर सिक्स, साल 1960 में इनकी फिल्म आई बेवकूफ। इस फिल्म में किशोर कुमार, माला सिन्हा, आईएस जौहर और प्राण नजर आए थे। इस फिल्म में विनोद मेहरा ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। नंबर सेवन, इसी साल 1960 में इनकी फिल्म आई अंगुलीमाल। इस फिल्म में भारत भूषण, निम्मी, अनिता गुहा और उल्लास नजर आए थे। इस फिल्म में विनोद मेहरा जी ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। नंबर एट, साल 1971 में इनकी पहली फिल्म लीड एक्टर के रोल में आई थी एक थी रीता। इस फिल्म में विनोद मेहरा, तनुजा, रहमान, आईएस जौहर और डेंजी ईरानी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर नाइन, इसी साल 1971 में इनकी फिल्म आई पर्दे के पीछे। इस फिल्म में विनोद मेहरा, बिंदु, योगिता बाली और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर टेन, इसी साल 1971 में इनकी फिल्म आई ऐलान। इस फिल्म में विनोद खन्ना, रेखा, विनोद मेहरा और मदन पुरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर इलेवन, इसी साल 1971 में इनकी फिल्म आई लाल पत्थर। इस फिल्म में राजकुमार, हेमा मालिनी, राखी और विनोद मेहरा नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर ट्वेल्व, इसी साल 1972 में इनकी फिल्म आई अमर प्रेम। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, विनोद मेहरा और ओम प्रकाश नजर आए थे। इस फिल्म में विनोद मेहरा जी ने स्पेशल एप्रेस दिए थे। नंबर थर्टीन, इसी साल में इनकी फिल्म आई अनुराग। इस फिल्म में विनोद मेहरा, नूतन, अशोक कुमार और मौसमी चटर्जी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर फोर्टीन, इसी साल 1972 में इनकी फिल्म आई बंदगी। इस फिल्म में विनोद मेहरा, संध्या रॉय, मदन पुरी और पद्मा खन्ना नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर फिफ्टीन, साल 1973 में इनकी फिल्म आई कहानी हम सबकी। इस फिल्म में विनोद मेहरा, माला सिन्हा, ओम प्रकाश, रुपेश कुमार और ललिता पवार नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 16, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई तीन चोर। इस फिल्म में विनोद मेहरा, जाहिदा, आईएस जौहर और ओम प्रकाश नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 17, इसी साल में इनकी फिल्म आई निर्दोष। इस फिल्म में योगिता बाली, विनोद मेहरा, सुजीत कुमार और नाजना नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 18, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई हिफाजत। इस फिल्म में अशोक कुमार, विनोद मेहरा, आशा सचदेव, नरेंद्र नाथ और ललिता पवार नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 19, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई दो फूल। इस फिल्म में अशोक कुमार, विनोद मेहरा, महमूद और ललिता पवार नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 20, साल 1974 में इनकी फिल्म आई जुर्म और सजा। इस फिल्म में विनोद मेहरा, जॉनी वॉकर, नंदा और हेलन नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 21, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई आरोप। इस फिल्म में विनोद खन्ना, सायरा बानो, विनोद मेहरा और रहमान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 22, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई वादा तेरा वादा। इस फिल्म में विनोद मेहरा, आशा सचदेव, राधा सलूजा, डैनी और अर्पणा चौधरी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 23, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई उजाला ही उजाला। इस फिल्म में विनोद मेहरा, योगिता बाली, महमूद, अशोक कुमार, अनूप कुमार और हेलन नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 24, इसी साल में इनकी फिल्म आई उस पार। इस फिल्म में विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, पद्मा खन्ना और जलाल आगा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। नंबर 25, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई शानदार। इस फिल्म में संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर और विनोद मेहरा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 26, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई हवस। इस फिल्म में अनिल धवन, नीतू सिंह, विनोद मेहरा और बिंदु नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 27, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई फासला। इस फिल्म में शबाना आजमी, नदीरा, विनोद मेहरा और चांद उस्मानी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 28, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई चट्टान सिंह। इस फिल्म में प्रेमनाथ, विनोद मेहरा और योगिता बाली नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 29, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई अलबेली।
इस फिल्म में विनोद मेहरा, रेहाना सुल्तान, नाजिमा, सुजीत कुमार और महमूद नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 30, साल 1975 में इनकी फिल्म आई वरदान। इस फिल्म में विनोद मेहरा, रीना रॉय, महमूद और ओम प्रकाश नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 31, इसी साल 1975 में इनकी फिल्म आई मजाक। इस फिल्म में विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, अरुणा ईरानी और महमूद नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 32, इसी साल 1975 में इनकी फिल्म आई उमर कैद। इस फिल्म में सुनील दत्त, जितेंद्र, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी और रीना रॉय नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 33, इसी साल 1975 में इनकी फिल्म आई रफ्तार। इस फिल्म में विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, डैनी, रंजीत और मदनपुरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 34, इसी साल 1975 में इनकी फिल्म आई दो झूठ। इस फिल्म में विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, कामिनी कौशल और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 35, इसी साल 1975 में इनकी फिल्म आई नीलिमा। इस फिल्म में सुनील दत्त, अनवर हुसैन, विनोद मेहरा, अंजलि कदम और सोनिया साहनी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 36, साल 1976 में इनकी फिल्म आई जिंदगी। इस फिल्म में माला सिन्हा, संजीव कुमार, विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 37, इसी साल 1976 में इनकी फिल्म आई अर्जुन पंडित। इस फिल्म में संजीव कुमार, अशोक कुमार, विनोद मेहरा, श्री विद्या और बिंदु नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 38, इसी साल 1976 में इनकी फिल्म आई नागिन। इस फिल्म में सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान, रेखा, मुमताज, विनोद मेहरा, कबीर बेदी और रीना रॉय नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। नंबर 39, इसी साल 1976 में इनकी फिल्म आई सबसे बड़ा रुपया। इस फिल्म में महमूद, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, फरीदा जलाल, आगा और आसिफ सेन नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 40, इसी साल 1976 में इनकी फिल्म आई दो खिलाड़ी। इस फिल्म में विनोद मेहरा, अनिता गुहा, जाहिरा और इंद्रानी मुखर्जी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 41, साल 1977 में इनकी फिल्म आई जागृति। इस फिल्म में विनोद मेहरा, रीना रॉय, नूतन और मधु आप्टे नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 42, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई दुनियादारी। इस फिल्म में नूतन, परीक्षित साहनी, विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी और ओम प्रकाश नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 43, इसी साल में इनकी फिल्म आई खेल किस्मत का। इस फिल्म में सारिका, बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 44, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई चालू मेरा नाम। इस फिल्म में सुलोचना लटकर, विनोद मेहरा, विद्या सिन्हा, मदन पुरी और देवेन वर्मा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 45, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई ऊपर वाला जाने। इस फिल्म में विनोद मेहरा, रेहाना सुल्तान और अभी भट्टाचार्य नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 46, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई काली रात। इस फिल्म में विनोद मेहरा, योगिता बाली, फरियाल और उपेंद्र त्रिदेवी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 47, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई एक ही रास्ता। इस फिल्म में जितेंद्र, शबाना आजमी, विनोद मेहरा और आशा सचदेव नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 48, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई सफेद झूठ। इस फिल्म में अशोक कुमार, विनोद मेहरा और मिठू मुखर्जी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 49, इसी साल में इनकी फिल्म आई अनुरोध। इस फिल्म में राजेश खन्ना, सिंपल कपाड़िया, विनोद मेहरा, अशोक कुमार, निरूपा रॉय, आसरानी और उत्पल दत्त नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 50, साल 1978 में इनकी फिल्म आई साजन बिना सुहागन। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, नूतन, विनोद मेहरा, पद्मिनी कोल्हापुरे और श्रीराम लागू नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 51, इसी साल 1978 में इनकी फिल्म आई घर। इस फिल्म में विनोद मेहरा, रेखा, प्रेमा नारायण और आसिफ सेन नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 52, इसी साल में इनकी फिल्म आई स्वर्ग नरक। इस फिल्म में संजीव कुमार, जितेंद्र, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी और शबाना आजमी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 53, इसी साल 1978 में इनकी फिल्म आई चौकी नंबर 11। इस फिल्म में विनोद मेहरा, अमजद खान, शरीना वहाब, अरुणा ईरानी और जितेंद्र नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 54, इसी साल 1978 में इनकी फिल्म आई चक्रव्यूह। इस फिल्म में राजेश खन्ना, विनोद मेहरा और नीतू सिंह नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 55, साल 1979 में इनकी फिल्म आई आखिरी कसम। इस फिल्म में कबीर बेदी, विनोद मेहरा और योगिता बाली नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।
नंबर 56 इसी साल में इनकी फिल्म आई कर्तव्य। इस फिल्म में धर्मेंद्र, रेखा, विनोद मेहरा, निरूपा रॉय, अरुणा ईरानी, रंजीत और उत्पल दत्त नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमी रही। नंबर 57 इसी साल में इनकी फिल्म आई जुर्माना। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, राखी, विनोद मेहरा और श्रीराम लागू नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 58 इसी साल में इनकी फिल्म आई जानी दुश्मन। इस फिल्म में सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह, विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 59 इसी साल में इनकी फिल्म आई बिन फेरे हम तेरे। इस फिल्म में आशा पारेख, विनोद मेहरा, सारिका और नाजनी नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 60 इसी साल में इनकी फिल्म आई राखी की सौगंध। इस फिल्म में विनोद मेहरा, अमजद खान, मदनपुरी, रंजीत और अजीत नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 61 इसी साल में इनकी फिल्म आई लव इन कनाडा। इस फिल्म में जितेंद्र, विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 62 इसी साल में इनकी फिल्म आई जानदार। इस फिल्म में विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी, अमजद खान और महेंद्र संधु नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 63 इसी साल में इनकी फिल्म आई दादा। इस फिल्म में विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी, अमजद खान और जीवन नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 64 इसी साल में इनकी फिल्म आई अमरदीप। इस फिल्म में राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, शबाना आजमी, देवेन वर्मा, बिंदु और रूपेश कुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 65 इसी साल में इनकी फिल्म आई आत्माराम। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, प्राण और अमजद खान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 66 साल 1980 में इनकी फिल्म आई प्रेमिका। इस फिल्म में विनोद मेहरा, उषा सोलंकी और उषा जोशी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 67 इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई कशिश। इस फिल्म में नवीन निश्चल, विनोद मेहरा और रीना रॉय नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 68 इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई बदला और बलिदान। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, विनोद मेहरा, आशा पारेख और मौसमी चटर्जी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 69 इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई सबूत। इस फिल्म में नवीन निश्चल, काजल किरण, विद्या सिन्हा, विनोद मेहरा, त्रिलोक कपूर और प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 70 इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई द बर्निंग ट्रेन। इस फिल्म में धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, हेमा मालिनी, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, डैनी, नवीन निश्चल और सिमी गरेवाल नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 78 इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई टक्कर। इस फिल्म में अशोक कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र, विनोद मेहरा, जयाप्रदा, जीनत अमान और बिंदिया गोस्वामी नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 72 इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई ज्योति बने ज्वाला। इस फिल्म में जितेंद्र, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, सारिका और वहीदा रहमान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 73 इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई ज्वालामुखी। इस फिल्म में वहीदा रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, अमजद खान, प्राण, विनोद मेहरा और शबाना आजमी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 74 इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई प्यारा दुश्मन। इस फिल्म में अमजद खान, राकेश रोशन, विनोद मेहरा, विद्या सिन्हा, योगिता पाली और सारिका नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 75 इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई जख्मों के निशान। इस फिल्म में विनोद मेहरा, पूर्णिमा, पद्मा खन्ना, विजय अरोड़ा और रंजीत बेदी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 76 इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई ये कैसा इंसाफ। इस फिल्म में विनोद मेहरा, शबाना आजमी, सारिका ठाकुर और राज किरण नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 77 इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई खून खराबा। इस फिल्म में विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी, मास्टर भगवान, बीरबल और अमजद खान नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 78 साल 1981 में इनकी फिल्म आई साजन की सहेली। इस फिल्म में नूतन, रेखा, राजेंद्र कुमार और विनोद मेहरा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 79 इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई ये रिश्ता ना टूटे। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी और राज बब्बर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 80 इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई चेहरे पे चेहरा। इस फिल्म में संजीव कुमार, विनोद मेहरा, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा और सुलक्षणा पंडित नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 81 इसी साल में इनकी फिल्म आई प्यासा सावन। इस फिल्म में जितेंद्र, रीना रॉय, मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 82 इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई गहरा जख्म। इस फिल्म में विनोद मेहरा, रंजिता, कादर खान और अमजद खान नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया।
नंबर 83 इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई कहानी एक चोर की। इस फिल्म में जितेंद्र, मौसमी चटर्जी और विनोद मेहरा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 84 इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई सनसनी। इस फिल्म में विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी, प्रेम चोपड़ा, श्रीराम लागू और गुलशन ग्रोवर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 85 इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई प्रोफेसर प्यारेलाल। इस फिल्म में धर्मेंद्र, जीनत अमान, सिमी गरेवाल, श्रीराम लागू, अमजद खान और विनोद मेहरा नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 86 इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई खून की टक्कर। इस फिल्म में विनोद मेहरा, महेंद्र संधू और जरीना वहाब नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। तो दोस्तों ये विनोद मेहरा जी का पार्ट 1 था। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा।